मुझे तो लगता है कि मेरा बच्चा उन्हीं लोगों की बातों में आके ये नादानी कर बैठा है, वरना मेरा बच्चा तो बहुत बोला है। अब इतना भी बच्चा नहीं है वो भाभी, पूरी दुनिया देख कर आया हुआ। अगर मैं कहूँ कि मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया। मजाक कर रहा हूँ, शक्ल तो देखो अपनी। डरा दिया था तुमने मुझे। वो बच्चा है ना, समझ है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है बेटा, ज़ुहेब था। क्यों परेशान करती हो उसे? उसके अपने भी काम होते होंगे, और उसकी माँ क्या सोचेगी कि हम लोग पीछे ही पड़ गए उनके? मुझे उसकी माँ की परवाह नहीं है। जब तक वो मेरी बात सुनेगा मैं उसको सुनाऊंगी। हाँ, जिस दिन वो मुझे अपने मुंह से कह देगा फिर मैं उसे कभी फोन नहीं करूंगी। सादिया, वो भी इंसान है, थक जाता होगा हमारे मसलों से। अगर मुंह से नहीं कहता तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम जोंक की तरह चिमट जाएं उससे। सारी उम्र आपने कोई ढंग का काम तो किया नहीं, अपनी औलाद को भी अपना ना बना सके, और गैरों से भी कोई फायदा नहीं उठाया आपने। क्या मतलब, कैसा फायदा? आपके सामने है, हमारी सारी औलादे हम पर फातिहा पढ़ के चली गई है, बस एक ज़ुहेब ही है जिसने हमेशा से हमारा ख्याल किया है। मैं तो सोच रही थी कि उससे मिन्नतें तरले कर लूं। क्या जरूरत है मिन्नत तरले करने की? मैं चाहती हूं कि हमारा आखिरी वक्त बहुत अच्छा गुजरे, और फिर ज़ुहेब के पास इतना सारा पैसा है, मैं उससे बात करूंगी कि वो हमारा महीना बांध दे। खबरदार सादिया, खबरदार जो उसके सामने दस्ते सवाल दराज किया तो जहां पैसे देके हाथ फैलाना शुरू। आपकी कौन सुनेगा, अब तो वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। सजाद तुम चले जाओ, तुम्हारा एग्जाम है, देर हो जाएगी, मेरी ऑफिस की बहन को देर हो जाएगी। फिक्र ना करो, मुझे कोई देर नहीं हो रही। तो तुम उस वक्त तक यहाँ मेरे बॉडीगार्ड बन के खड़े रहोगे? ये ड्यूटी मैं सारी जिंदगी निभाने को तैयार हूँ। अर्ज किया है, वो जुगनू हूँ जरा सा। लगता है तुमने इकोनॉमिक्स के बजाय उर्दू अदब में एडमिशन ले लिया, कुछ ज्यादा शेर बोलने लग गया। जी क्या करें, आपके इश्क ने हमें गालिब बना दिया और निकम्मा भी। अब तो अम्मी भी ताने देती है। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। नवाज़िश, बैन आ गया। ओके, लाफ़स। नोशी। हॉट ड्रामे आ गए तुम्हें सजाद। एक सेकंड रुके, वो जाते हुए मुझे भी छोड़ दें। तुमने कहाँ जाना इतनी सुबह? जाहिर सी बात है, अम्मी के घर जाऊंगी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह चक्कर जरूर लगाऊंगी। तुम अपनी कल की बेइज्जती भूल गई जो उन्होंने की थी तुम्हारी? देखें सईद, वो मेरी माँ है, अगर वो मुझे कुछ कह देती है तो इसका मतलब है कि मैं वहाँ जाना छोड़ दूँ। मैं होता तो ऐसा ही करता। मैंने अपने वालदैन को नहीं छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे बच्चे को पूछने तक नहीं थे। बस रहने दें, हर हफ्ते तो आप हैदराबाद जाते हैं, सारे रिश्तेदारों से मिल मिला के वापसी होती है आपकी। तुम्हारा बिना दिन नहीं गुजरता अपनी माँ की जली कटी सुने बगैर, और साथ में मेरी भी इज्जत अफजाई हो जाती है। मैं एडवांस में माफी मांग रही हूँ ना, प्लीज ना छोड़ देना। चलो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं मुन्ने को लेकर आती। हेलो। हाँ नौशी, मैं अभी पुलिस स्टेशन से बाहर ही निकला हूँ, उन लोगों को अहमद का क्लू मिल गया, लेकिन उनका कहना है कि लोकल पुलिस स्टेशन में दरखास्त करनी पड़ेगी अहमद को वापस लाने के। नहीं ज़ुहेब, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मजीद तकल्लुफ ना करें। What do you mean? तुम लोगों को अहमद वापस नहीं चाहिए? अगर वो अपनी मर्जी से गया तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो जहाँ है आप उसे वहीं रहने दें, वापस आया तो पहले से ज्यादा तंग करेगा। लुक, अगर तो तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि यू थिंक कि मेरा खर्चा होगा तो इसे उधार समझ लेना, और जब वापस कर सको तो। आपने पहले वाले पैसे कब वापस लिए? प्लीज ज़ुहेब, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने हैमर पर सब्र कर लिया,
और हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा हमारा साथ दिया। अम्मी आपने चाय क्यों बना ली? मैं नाश्ता करके आई थी। तुम नाश्ता करके आई हो ना, हम तो चाय पियेंगे। अच्छा, वो एमर का कुछ पता चला? नहीं भाई, वो जहाँ था वहाँ मिल ही नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ से कहीं चला गया है। तो आप जुहेब से बात करके वहाँ की पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? पुलिस उसे ढूंढ लेगी ना। तुम्हारे बाप ने मना किया है कि मैं जुहेब से कोई मदद ना लूं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई माली मदद ना ले उससे। हाँ तो पुलिस मुफ्त तो नहीं ढूंढेगी ना, ठीक ठाक पैसे लेगी। हाँ तो बस इसका एक ही हल है कि भूल जाओ उस नाजार को। हाँ तो मैं कौन सा उसकी याद में दिए जला रही हूँ। नहीं आता है ना आए, सारी उम्र ना आए। बल्कि अगर आपकी दफा आ भी गया ना, तो मैं खुद उसको पुलिस के हवाले करूँगी। ले, आपको ही कोई टेंशन नहीं है, मैं ही आपकी फिक्र में ना भागी चली आती हूँ। रामीन तुम मुंह मत खोला करो, क्योंकि तुम जब भी मुंह खोलती हो ना कुछ फजूल ही बोलती हो। एक बच्चे की माँ हो गई हो, लेकिन अकल कौड़ी की नहीं है तुम में। गलती हो गई जो मैं आ गई। सईद ने मुझे मना किया था कि मत जाओ, तुम्हें बातें सुनने को मिलेंगी। ओ, फिर तो तुमने सईद की नाफरमानी की ना। क्यों की? बस करो सारिया, तुम बच्चों से बैर पाल लेती हो। और बेटा तुम भी चुप करो ना, माँ बोलती है तो बोलने दो। बेटा खानदान में लोग ही कितने रह गए, चार लोग हैं, अगर हमें भी इत्तेफाक ना हो तो क्या फायदा। यही बात तो मैं भी कहती हूँ ना। तेरे दिमाग में ना अकल की जगह भूसा भरा हुआ होगा, मेरे नहीं। वो पैसे तो तुझे हरगिज नहीं मिलने वाले, भूल जा। सीधी तरह पार्टी में शामिल हो जा, वरना तू और तेरी फैमिली जाया। ये बताओ, तुम आज अपनी अम्मी की तरफ नहीं गई? गई थी पापा, जल्दी वापस आ गई। हैरत है, बड़ी जल्दी वापस आ गई। तुम्हारी माँ ने गई तुमसे लड़बड़ के निकाल तो नहीं दिया घर से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यही तो पूछ रही हूँ, ऐसा क्या हुआ है जो उल्टे कदमों वापस भागी चली आई हो? पापा, सजाद का आखिरी पेपर था, बस मुझे इसी बात की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसा दिया होगा, बस इसीलिए जल्दी आ गई। अच्छा, अरे पेपर अच्छा हुआ, फर्स्ट डिवीजन आने की उम्मीद। माशाल्लाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो भाई, अल्लाह कामयाब करे तुम। लेकिन अब ज्यादा खुश मत हो जाना जैसे तुम्हें दुनिया की दौलत मिल गई हो, अभी बड़े इम्तिहान बाकी हैं बेटे। मैं अल्लाह करके तो इम्तिहान खत्म हुए, आप और क्यों डरा रही? भाई मेरा मतलब ये था कि अब 16 करके तुम्हें फौरन प्लेट में रखी नौकरी तो नहीं मिल जाएगी। तुम जैसे कई नौजवान जो है ना, वो बेरोजगार फिर रहे हैं और तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम भी लग जाना उनकी लाइन में। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है पप्पू, और हर शख्स का नसीब एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। क्या पता सजाद भी उन लाखों में से एक हो जिन पर किस्मत मेहरबान होती है। तुम्हारे ये फजूल ख्वाब जो है ना, इन्होंने इसका दिमाग खराब कर दिया। मूड खराब है मेरे। नहीं, पप्पा ऐसे ही कह रही हैं। हाँ, मेरी ऐसी और फिर वैसी, बस ऐसी वैसी बातें होती हैं मेरी, कोई मतलब तो होता नहीं उनका, है ना? अच्छा तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ पेपर में क्या क्या आया था, मुश्किल तो नहीं था?
मुझे पहले ग्लास पानी पिला दो। अच्छा मैं लाती हूँ। प्यार की जबान समझ नहीं आती ना, अब मजा आएगा जब सब भूखे मरेंगे। बहुत जबाने हैं ना सबकी, अभी मैं बताती हूँ सबको। हर चीज पे ताला लगाऊंगी, कुछ नहीं खाने दूंगी इनको। मेरी नेकी नेकी नहीं लगती ना, सबर कर जाओ, मेरा घर मेरी मर्जी। निकालें पैसे और लाएं। घर की जितनी अलमारियां हैं सबको लॉक लगा दिया मैंने। अब मैं देखती हूं मेरी चीजों को हाथ कौन लगाता है। इनकी मर्जी चलने नहीं दूंगी मैं अपने घर में। ये तो सुझाव तुमने बिल्कुल सही बताया। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पता है मैंने हमारे मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ख्वाब देख रखे। मेरा ख्याल है अब हमें चल के सोना चाहिए अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी। फिर तुम सोते हुए मैं बहुत सारे ख्वाब देख रहे हो क्योंकि मुझे नींद आ रही है। मैं भी कितना पागल हूँ, तुम फजूल बातों में उलझाता रहता हूँ। नहीं मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और पढ़ा कर भी, लेकिन अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं बस आई। कहाँ जा रही हूँ? किचन का दरवाजा बंद करना भूल गई आज भी। रोज बिल्ली आ जाती है और गंदगी करती है और पुत्र गुस्सा करती है सुबह। तो मैं कर देता हूँ, तुम कमरे में जाओ। मैं बस यूं गई और यूं आई, तुम बैठो। सजाद? सजाद? नौशी क्या ढूंढ रही है? कहां से भागती हुई आ रही है इस वक्त? मेरा मोबाइल कहां है? क्या हो गया मोबाइल को? सजाद का पता कहां है? सजाद? वो सजाद संद बोल ना, क्या पूछ रही हूं? वो लोग ले गए सजाद। कौन ले गए? कौन लोग? कोई अगवा करके ले गया उसे। तेरा मोबाइल अगवा करके? मोबाइल को क्या कह रही है? मैं खुद देखती हूं। हेलो ये इस वक्त सब ठीक तो है ना? हेलो नौशी, मेरी आवाज आ रही है ना तुम्हें?
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा। हाँ जैतून, तो क्या हुआ, खैरियत तो है? तुम्हें पक्का यकीन है? ऐसा ना होना कि वो दोस्तों। अच्छा नहीं नहीं, तुम रो रो नहीं, परेशान हो तो हम लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या हुआ जैतून, तो नहीं गुजर गई? पहले सुन तो लिया करो, अपनी बकबक करती रहती हो हर वक्त। वो कह रही है कि सज्जा को किसी ने अगवा कर लिया। क्या? अल्लाह खैर करे, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि जैतून हमारी जान छोड़ दे। What? घर से अगवा? How is that even possible? ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, वो लोग उसे उठा कर लेकर गए हैं। क्या तुम जानती हो उन लोगों को? I mean, चेहरे वगैरह देखे थे क्या? उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं देख पाई, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। अच्छा, any suspects? I mean, आप लोगों को किसी पर शक है? यार वो एक इशू चल रहा है यूनिवर्सिटी में, ग्रुप वजह से मेरी लड़ाई हुई थी। सियासी लोग हैं, मैनेजमेंट ऐसे लोगों के आगे पानी भरती है। सजाद के यूनिवर्सिटी के लड़के, वो लोगों से अपनी जमात में शामिल करना चाहते थे और वो बार बार इनकार कर देता था। इस बात पर लोगों का काफी बार झगड़ा भी हुआ, मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों का हाथ होगा। लेकिन इससे ये थोड़ी साबित होता है कि उन्हीं ने ये किया है। मैं कह रही हूं ना, मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको? देखो रिलैक्स नौशीन, मैं तुमसे वही सवाल पूछ रहा हूं जो पुलिस पूछ सकती है, और पुलिस को अपने सवालों के लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है। वो वही मर्दूद होंगे, वरना तो और किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वही पीछे पड़े हुए थे उसके। खुदा के वास्ते कुछ करो जुहेब, बेटे तुम्हारी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, तुम ही हमारी मदद कर सकते हो मेरा बच्चा। ठीक है आंटी, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूं। मुझे तो अजीब सी बात लग रही है ये, भला सजाद कोई बच्चा है जिसे घर आकर कोई उठा कर ले जाए? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन फूफू यही कह रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि सजाद घर वालों से नाराज होकर चला गया? अमर ने भी तो ऐसे ही किया था। अमर का तो सबको पता है कि वो क्यों गया, लेकिन सजाद वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका था ना, उसने ही हरकत की, मुझे उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये मामला कुछ उलझा हुआ सा ही है, अब डिटेल्स तो वहाँ जाकर ही पता चलेंगे। हम लोग भी वहाँ चले, अम्मी लोग तो वहाँ पहुँच भी चुके होंगे। मुझे तुम इन सब बातों से दूर ही रखो, और तुम्हारी अम्मा को अच्छा मौका मिल गया जैतून फूफू को कुछ सुनाने का, भला ये मौका वो जाने दे सकती है? वैसे अम्मी आप फूफू को कुछ भी कहे ना तो वो कम है, मैं चेंज करके आती हूँ, आप मुझे वहाँ छोड़ें। हाँ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कप चाय पिला दो मुझे। ठीक। क्या उसने कभी किसी अपनी उलझन का जिक्र किया हो तुमसे? जुहेब मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि वो काफी दिनों से परेशान था, वो लोग आते जाते उसे तंग करते थे, हालांकि एक दो बार तो घर भी आए थे धमकाने के लिए। कोई है? कोई है? कोशिश! पता नहीं बैठे बिठाए क्या हो गया ये मेरे साथ, कौन मर्दूत थे जो दीवार फलांग कर आए और मेरे बच्चे को उठा के ले गए? तो सजाद ने भी कुछ किया ही होगा, तभी तो सजाद के इतने दुश्मन बन गए। वफा